क्या नाम है आपका? आज आप बस से अभी आई हैं, किराया लगा है आपका या नहीं लगा है? कहाँ से आए? उबे कायदे में मोटे दर्शन का भाई आएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? आज किराया लग रहा है बस में या फ्री है, क्या है? आप लोगों को जानकारी नहीं है कि आज किराया नहीं लगना है? महिलाओं को आज फ्री किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, कहाँ जा रही है? भाई को राखी बांधने जा रही है? राखी बांधने कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हैं? वर्षा सिंहपुरे जाना है। तो आज बसों में किराया माफ है, क्या आपको जानकारी है? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्हें हम माताओं और बहनों के लिए किराया, मतलब हम लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए रक्षाबंधन की वजह से हम लोगों को किराया मतलब फ्री रखा है। तो आप क्यों जा रही हो भाई? राखी बांधने के भैया लोगों को राखी बांधने के लिए, बाहर पढ़ते हैं लखनऊ में, बांधने के लिए जा रहे हैं राखी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, आप आज आप बस में आई हैं, रोडवेज बस में। किराया लगा है बस में? फ्री है, आपको पता था? कहाँ आई हैं आप? रक्षाबंधन का त्योहार है, योगी सरकार ने आज किराया माफ किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहन जी क्या नाम है आपका? आज आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम तो इलाहाबाद जा रहे हैं। जैसे आज क्या है, बसों का किराया लगना है आप लोगों का या फ्री? नहीं, हम लोगों का किराया नहीं लगना है। कैसे पता चला आपको कि आज किराया? जानकारी थी हमको। क्या वजह? आज रक्षाबंधन इसलिए महिलाओं को फ्री है। किसने फ्री किया है? योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है आपका? ताहिर अंसारी। आज आप लोग बस चला रहे हैं, रोडवेज पर चल रही है, रक्षाबंधन का त्योहार है जी, महिलाओं से किराया लिया जा रहा है या माफ? नहीं, फ्री चल रही है। अभी कहाँ से आए हैं? राट से आए। कितनी महिलाएं होंगी? मैं करीब 70-80 महिला। राति 12 बजे से हमारी, आज 21 तारीख की राति 12 बजे से 22 की 12 बजे तक की सभी महिला यात्रियों पर आवागमन फ्री है, निःशुल्क है, और उसके लिए हमने बसों के फेरे भी बढ़ाए हैं। हमारी बसें चारों तरफ चार रूट पर हैं अवेलेबल है, और भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए कुछ गाड़ियों के टिप्स जो है वो बढ़ाए हैं। लगभग कितनी बसें महोबा के रोडवेज बेड़े में मौजूद हैं और कितनी बसें अभी चल रही हैं? हमारे पास 97 बसेज हैं अभी, प्लस टू 99, उसमें करीब 80 बसें हम चला रहे हैं। कितनी उम्मीद है कितनी महिलाएं यात्रा कर लेंगी? अबाउट लास्ट ईयर 1000 महिलाओं ने यात्रा की थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है 10,000 के करीब महिलाएँ जो है वो यात्रा कर लेंगे। और भी कोई किसी प्रकार की सुविधा दी गई है तो अच्छा बंधन को सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, बसों में देखा जाए तो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, बसें बहुत ज़्यादा भर के चल रही हैं, ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? इसमें तो एक तो पैसेंजर खुद ही मतलब को हमारी तरफ से जो है कंडक्टर को सैनिटाइज वगैरह उपलब्ध कराया गया है। हमारी कोशिश ये है कि सैनिटाइज का पूरा है, बस जब निकल रही है तो सैनिटाइज होकर निकलती है बस।
पूरा पालन किया जा रहा है मास्क का, और वही तो जन जागरूकता है इसमें हर एक को मास्क का यूज करना ही। वैसे हमारे यहाँ 52 यात्री जो है वो अनुमान्य तो है ही, लेकिन भीड़ के प्रतिशत रखते हुए कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि कोविड का भी हम अपना पालन करें मास्क। मानवर एक बार सैनिटाइज बस कराने के बाद कितने चक्कर लगा लेती है? एक बार जब वर्कशॉप से निकलेगी आउटफिट होती है तो वो सैनिटाइज होती है। Thank you.